गौतम बुद्ध और बाबा साहेब। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने हमें एक मंत्र दिया है, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि इट मीन्स कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जाती हूँ। यहाँ बुद्ध से जो तात्पर्य था, बुद्ध का सिद्धांत गौतम का, वो था कि मैं बुद्धि की शरण में जाती हूँ। बुद्धि से तात्पर्य था कि बुद्धि कब आएगी, जब मेरे को शिक्षा मिलेगी, जब मैं शिक्षित हो जाऊंगी, और जब मैं शिक्षित हो जाऊंगी तो मेरा संपूर्ण विकास हो जाएगा। और तथागत बुद्ध ने हर मनुष्य के लिए, हर जीव के संपूर्ण विकास की बात कही है। इसी वजह से उन्होंने त्रिशरण और पंचशील जैसी हमें एक वो चीज दी दी है, वो मंत्र दिया है, जिससे हर साधारण मनुष्य किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का अगर उसका पालन करता है तो उसका कहीं ना कहीं अपने अंदर वो इतना बड़ा विकास देखता है कि शायद ही उसको लगता है कि बुद्ध का जो धम्म था, बुद्ध का जो धम्म है और बुद्ध का जो धम्म रहेगा, उससे बड़ा कोई और धम्म नहीं। क्योंकि बुद्ध का वो धम्म है जिस धम्म में हमें मनुष्य से मनुष्य के रिलेशन की बात मिलती है, मनुष्य से मनुष्य का संबंध जुड़ता है, और मनुष्य से जीव प्राणी किसी भी तरह की कोई अहिंसा हिंसा ना करने की सीख मिलती है। सिर्फ वो बुद्ध का ही धम्म है जिसने सबसे पहले ये कहा कि शिक्षित हो, बुद्ध की शरण में जाओ, शिक्षा की शरण में जाओ, शिक्षित हो। जब आपके पास ज्ञान होगा तब आपका सम्मान होगा, जब आपका सम्मान होगा तब आप अपने आप में एक अपनी अलग पहचान देखेंगे। और इसी बात को आधार मानते हुए बोधिसत्व बाबा साहेब ने भी हमें सबसे पहले कहा शिक्षित बनो, सबसे पहले कहा शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। क्योंकि शिक्षित नहीं होंगे हम अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे हम अपने अधिकारों, अपने विकास के लिए, अपने हक के लिए बात करेंगे। और जब शिक्षित हो जाएंगे तो हम दूसरों के लिए भी आगे आएंगे, संगठित हो जाएंगे, और जब संगठित हो जाएंगे तो हम संघर्ष करने के लिए भी आगे आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।